हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर वन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक चर वाले द्विघात समीकरण। एंड वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड अप टू एक्सरसाइज 1.4 नाउ, एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.5 एंड वी कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। नाउ टुडे आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 7 हियर, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी विल कंप्लीट द होल एक्सरसाइज आई थिंक। ओके, ओनली 11 क्वेश्चंस है और हम ट्राई करेंगे कि 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और रिमाइंड कराना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक अगर हम अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 परीक्षण करके देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो प्रमाणित करें कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक क्या है, द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। और यदि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि ए नॉट इक्वल टू बी, तो हमें प्रमाणित क्या करना है कि ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये क्या है, वास्तविक मूल इसका नहीं होगा तो। तो चलो इसे कैसे बनाते हैं, बनाना है। प्रूव दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स इफ ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, या तो आप इस वाले पार्ट को प्रूफ करो कि हैज नो रियल रूट्स, या इस वाले पार्ट को प्रूफ करो। इफ रहता है तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी। तो जैसे कि बुक में क्वेश्चन में दे दिया है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो जब नो रियल रूट्स होता है तो क्या होता है, डी लेस देन जीरो होता है। ठीक है, ओके, डी लेस देन जीरो होता है। तो हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हमारा ये होगा कि 2 इंटू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है। अब इसमें दिया हुआ है कि एज इट इज गिवन दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स, इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, जैसे कि मैंने कंडीशंस इसके बताए थे डिस्क्रिमिनेंट वाले, तो मैंने उसमें बताया था सारा कंडीशन। उसमें एक कंडीशन था कि अगर रियल रूट ना मिले हमें, ठीक है, तो डी लेस देन 0 होता है ना। तो डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी है ना, 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ये है पूरा पार्ट, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, सी क्या है 1। ठीक है, लेस देन 0। इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू 2 इंटू ये है, तो ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8a² माइनस 8b² है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके, लेस देन 0। ठीक है, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a² प्लस 8ab प्लस 4b² माइनस 8a² माइनस 8b² लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से देखो कुछ, हाँ, ये 4a² माइनस 8 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4 4, तो माइनस 4a² होगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, और प्लस 8ab ये और ये b, माइनस 8b² में से प्लस 4b² माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4b² बचेगा। ठीक है, हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से देखो 4 दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, दोनों में 4 कॉमन है लेकिन माइनस 4 कॉमन है, तो माइनस 4 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये बचेगा। यहाँ से 4 टू से 8 होता है तो 2 बचा, यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से 4 निकल गया, मतलब निकल जाने का मतलब डिवाइड कर दिया हमने। ओके, तो ये हो गया कितना, लेस देन 0। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ आके क्या हो जाता है,
जीरो के नीचे आ गए ये माइनस, और माइनस फोर मतलब पूरा जीरो में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो माइनस है ये इधर आके तो जीरो हो गया। अब ये पूरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ टर्म निगेटिव था, अब ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया ग्रेटर देन जीरो। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, जब यहाँ पे माइनस कॉमन आया था तो ये माइनस हो जाएगा, एट ए बी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों प्लस। ओके सॉरी, ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ गया, यहां से देखो होल स्क्वायर इधर जाके ये भी जीरो हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों ऐसा होगा, यहां पे मैं समझाती हूँ, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है जब ए ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, बी उधर जाएगा, तो ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल्स टू बी तो नहीं आया, दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, यही प्रूफ करना था, यहां लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8, 5x² प्लस 2x - 3 = 0, द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा होने से इन सारों का हमें मान ज्ञात करना है, मतलब कि इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है अल्फा एंड बीटा की। ठीक है, सॉरी, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं, इस इन तीनों की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। इफ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करना होगा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो रूट्स निकालना बहुत ईजी होता है। क्या होता है, सम ऑफ दी क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा। सबसे पहले जो ये जो इक्वेशन है वो लिखेंगे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, हम आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो 5x² + 2x - 3 = 0 ये इक्वेशन है। यहां से हमें इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाना है, तो हमें 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ये x² + 2/5x - 3/5। ठीक है, = 0, मतलब 0/5 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हुआ, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 ही लाना था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ये, एक्स का जो कोफिशियंट होता है, मैंने फॉर्मूला में भी बताया था, एक्स का कोफिशियंट होता है सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू, ये एक्स का कोफिशियंट होता है लेकिन माइनस में होता है। ठीक है, तो -2/5। ठीक है, -2/5, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा यहाँ पे रूट्स है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसके बराबर होता है, मतलब कि यहाँ पे ax² + bx + c है, तो c के बराबर होगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बीटा हम लिखेंगे कितना, -3/5 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, अब वन नंबर सॉल्व करते हैं, α² + β² यही है, तो यहां से इसका फॉर्मूला होता है a + b² - 2ab, इसके फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया। अब इसका वैल्यू कितना है, -2/5 है, -2/5 2 α β - 3/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2² = 4 होता है, 5² = 25, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और ये 2 × 3 = 6/5, तो 4/25 + 6/5 दोनों को ऐड करने से आपका आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐड कर लेती हूँ, 34/25, ये आप कर लेना। ठीक है, 34/25, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। अब देखो, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, α³ + β³ है। ठीक है, एक मिनट, ओके, α³ + β³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला, a+b³ - 3ab a+b, है ना, ये फॉर्मूला आप लोग सीखते आए हो क्लास 8 से। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है 2 - 2/5 - 2/5 पुट कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, -3 × α β का वैल्यू भी आया हमारे पास, -3/5 - 3/5, फिर से अल्फा प्लस बीटा
माइनस 2/5, ठीक है, सबका वैल्यूज पुट कर देना है, और यहाँ माइनस का क्यूब माइनस में ही होता है, ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8/125, ठीक है, माइनस ये हो गया 3/5 है ना, और ये 2/5, तो सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 और 9 2 18, 18 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, मतलब कि माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आता है, तो ये हो गया माइनस। अब दोनों ही माइनस में है तो दोनों को क्या करना होगा, सिंपली ऐड करना होगा, आप यहाँ से ये ले लेना एलसीएम 125 होगा, तो ये हो गया माइनस 8 माइनस 125, 25 फाइव जा होता है, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, आंसर कितना आएगा माइनस 98/125, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, क्या है थर्ड नंबर, ओके नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ था, 1/α + 1/β, सिंपली वही करना है, अल्फा बीटा हमें क्या करना है एलसीएम ले लेना है, अल्फा से अल्फा कटा बीटा प्लस अल्फा होगा यहाँ पे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा ही है, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 2/5, बाय अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे इसका वैल्यू माइनस 3/5 है, ठीक है, माइनस 3/5, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे, ठीक है, और माइनस यहाँ पे था माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 5 कैंसिल, यानी कि प्लस 2/3, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब करते हैं फोर्थ नंबर, ओके तो फोर्थ नंबर क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, यहाँ पे सिंपली वही करेंगे एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल, एक अल्फा बचा, इस अल्फा से इस अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस, उसी तरह यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब है ना, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका वैल्यू हमारा पहले आ चुका है क्वेश्चन नंबर टू में, देखो क्वेश्चन नंबर टू में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना है माइनस 98/125, अगर इस तरह क्वेश्चन अटैच होते हैं ना तो इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, तो हमने इसका डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर देते, कितना माइनस 98/25, यहाँ मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इधर उधर लिख रही हूँ, यहां से आप सीधे यहाँ आ जाइए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे माइनस 98/125, ओके बाय अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यूज है हमारे पास माइनस 1/3, माइनस 3/5 सॉरी माइनस 3/5, अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 98 बाय, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 125, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 ऊपर गया और क्या नीचे आया 3 नीचे आया है ना, ये 5 ऊपर 3 नीचे, ओके अब इसे काटते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स में आता है 25 टाइम्स में, यहाँ हो गया 25 और ये 3 से 98 कैंसिल होगा, 25 3 से 75 होता है, नहीं ये नहीं कैंसिल होगा, तो इसका आंसर हो गया 98/, ठीक है 98/ 25 3 125 98/125, ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, किसका क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 का चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे फटाफट से कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में तो आप प्लीज इसे इग्नोर मत करना, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हमने सॉल्व कर लिया, 9 नंबर क्या है, ax2 + bx + c = 0, समीकरण का एक मूल दूसरे का दोगुना हो तो दिखाए कि 2b² = 9a, मतलब कि एक जो रूट है दूसरे का क्या है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, एक रूट दूसरे का दोगुना है, देन शो दैट 2b² = 9a, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो रूट्स को हम अल्फा बीटा ही मानेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एंड अदर क्या हो जाएगा, अदर रूट मान लेते हैं क्या, अदर रूट इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा हमने मान लिया, ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, वन रूट इज ट्वाइस द अदर, ठीक है, इफ द रूट ऑफ द इज ट्वाइस द अदर देन लेट अस शो दैट, ओके देन यहाँ पे अनदर रूट बीटा है, लेकिन बीटा ना मान के क्या मानेंगे हम, ट्वाइस द अदर है ना, तो यहाँ पे हम 2 अल्फा मानेंगे, ठीक है, वन रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज 2 अल्फा, ठीक है, ट्वाइस द अदर था सॉरी, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो,
रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस मतलब सम, दोनों का सम कर देंगे 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ द रूट्स किसके कोफिशियंट होता है, एक्स का कोफिशियंट होता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे 1 हो। ठीक है, तो हम इसको, मैं रफ में इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू 0। यहां से हमें क्या करना है, ए से डिवाइड करना है। ठीक है, ए से हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी बाई ए, ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ द रूट्स के बराबर, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में पहले ही बताया था 9 नंबर। तो फॉर्मूला में जैसे कि बनाया था, सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, क्योंकि उसमें माइनस होता था। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, ये आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने की जरूरत नहीं होगी, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। चलो, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा माइनस बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद अल्फा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 3 ए। ठीक है, अल्फा निकल गया, इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो भी कर लेते हैं। चलो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा है ना, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, सी बाई ए के बराबर। ओके, सी बाई ए, तो सी बाई ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी, हाँ यहाँ ऑनली सी बाई ए होगा, सी बाई ए के बराबर हो गया हमारा अल्फा इंटू 2 अल्फा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे हमको, तो हमें तो आंसर इस फॉर्म में चाहिए ना, तो हमें यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू अल्फा का वैल्यू है हमारे पास माइनस बी बाई 3 ए, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, जोर मोर तरोर करके शो दैट में आंसर लाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 ए का होल स्क्वायर होता है 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहां से देखो कुछ कटेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, 2b² ना, तो 2b² तो हमारा दिख रहा है, 2b² यहाँ कर देते हैं इज इक्वल टू सी बाई ए, ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 9a² ओके, दिख रहा है 9a² ए से ए कैंसिल होकर एक ए बचा, तो ऊपर में क्या बचा, 9ac आ गया, 2b² इज इक्वल टू 9ac। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इजी तरीके से प्रूफ हो गया। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिस समीकरण के मूल x² + px + 1 = 0 समीकरण के मूलों के विपरीत हो तो इस समीकरण को ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कि ये जो समीकरण है इसका जो मूल होगा वो, मतलब मैं इंग्लिश में समझा देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है फॉर्म द इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन फॉर्म करना है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू द रूट्स ऑफ दिस, मतलब इसके रूट का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका रूट, जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो चलो, इक्वेशन करते करते और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसका रूट हमें फाइंड करना है, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे, और उसके बाद एक नया इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन दिया है इसका हमें रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो रूट मान लेंगे कि लेट, सॉरी क्या करेंगे, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। देखो इस तरह, ओके, तो ये जो 4 क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ ये लास्ट के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप डाल दीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलो, इसका रूट्स हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा, तो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज, बट माइनस, ये प्लस में है तो भी माइनस होगा, अगर ये माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आ गया, पी बाई 1, यहाँ पे मतलब कि 1 है इसका कोफिशियंट, 1 है तो पी बाई 1 भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस पी। ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी, ये सी बाई ए होता है ना, तो यहाँ पे ए तो है नहीं, तो सी की जगह पे 1। ठीक है, अल्फा बीटा 1 आ गया। नाउ नाउ क्या कह रहे हैं कि रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन का रूट्स क्या होगा,
रेसिप्रोकल था पहले वाले इक्वेशन का, तो पहले वाले इक्वेशन का रूट वन अल्फा है तो 1/अल्फा, एंड बीटा है तो 1/बीटा। तो न्यू इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा, 1/बीटा। ठीक है, अब इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारे पास कितना है, -p, एंड अल्फा बीटा का वैल्यू 1, तो कितना आया -p। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया -p। और उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि समो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, इस तरह करके आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, होगा 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा। ठीक है, 1/अल्फा बीटा है ना। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 1 था, 1/1 दैट इज 1। ठीक है, ये दोनों ही निकालते हैं जब भी हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं या फिर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो अब चलो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ समीकरण इस तरह आप लिख सकते हो हिंदी वाले। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही होता है इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला जो कि मैं बता चुकी हूं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या आया, -p, और यहाँ पे x है तो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आया तो 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, -p है और यहाँ पहले से ही माइनस था, सो सॉरी। ठीक है, -p है ना सम ऑफ द रूट, यहाँ पे हमने -p पुट कर दिया और यहाँ पहले से ही माइनस है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वही आ रहा है, ठीक है, वही फिर से आ गया, मतलब कि न्यू इक्वेशन भी वही आया जो कि हमारे क्वेश्चन में था, तो मतलब यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया, अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस समीकरण के मूल इतना x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 समीकरण के मूलों के वर्ग के समान हो, उस समीकरण को ज्ञात करें। मतलब इसका जो मूल होगा, मतलब कि रूट्स होगा, ये किसके बराबर होगा, दूसरा जो न्यू समीकरण बनेगा उसके वर्ग के बराबर होगा, तो वो समीकरण क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, रूट फाइंड करना है, तो वही करेंगे, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज आर सॉरी अल्फा एंड बीटा, इसका हमने क्या मान लिया, रूट्स अल्फा एंड बीटा मान लिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, जैसे कि अब हमें पता है जब यहाँ पे कोफिशियंट x का कोफिशियंट लेकिन माइनस में आता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -1 होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो -1। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a दैट इज 1 है यहाँ पे, सिर्फ 1। ठीक है, हो गया। अब नाउ क्या कह रहे हैं, नाउ द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन, देखो रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि जो इसका रूट होगा इसका स्क्वायर होना चाहिए, है ना। बोल रहा है कि डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का जो रूट होगा उसका स्क्वायर होगा नए वाले इक्वेशन का रूट, तो ये इसका स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास है ऑलरेडी -1 अल्फा प्लस बीटा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, -2 दैट इज -1, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आया, -1। ओके, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं,
हमारे पास अल्फा बीटा है वन, वन का होल स्क्वायर दैट इज वन। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन के लिए फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है कि लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही होता है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास मिल गया है, हमारा क्या है सम ऑफ द रूट्स माइनस वन, माइनस वन इंटू एक्स। ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है वन, वन हो गया इज इक्वल टू जीरो। दैट इज क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.5 हम कंप्लीट कर लिए, और ये जो लास्ट के क्वेश्चन है प्लीज अच्छे से कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो चलो, अब ये एक्सरसाइज 1.5 के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और जो MCQs बच रहे हैं उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम उसको ऐड नहीं करेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे के चैप्टर्स के लिए। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।